सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वकील जाता है उनके पास, तो वो ये कहने लगते हैं कि खुद कानून से बताते हैं कि ये है कानून, पढ़ के आइए वकील साहब, ये वकील मतलब ये वकील से ज्यादा कानून जाता है। क्या मांग है आप लोगों की? इनका तो हम लोगों की मांग यही है कि सीओ साहब का ट्रांसफर होना चाहिए और अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, और वरना हम लोग अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम थाना जाम करेंगे, थाने में घेराव करेंगे, अपराध पुलिस कर्मियों किसी बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। हमारा प्रदर्शन उग्र होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी। आप कल समस्त अधिवक्ताओं ने सड़क को जाम किया था, अधिवक्ता की पुत्री अभी तक लापता है और आरोपी भी फरार हैं, तो 24 घंटे की मोहलत दी गई थी पुलिस को जी, क्या करेंगे अब आगे? हम 2 बजे तक का समय है, 24 घंटे हो जाएंगे 2 बजे तक, इसके बाद हम आंदोलन को उग्र बनाने का काम करेंगे। सड़क जाम है, जुलूस निकालना है, ये सब हम क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। थाने का भी घेराव करेंगे, हम थाने का भी घेराव कर सकते हैं, थाने के दरवाजे पे भी टेंट लगा करके बैठ सकते हैं अगर नहीं कार्रवाई की गई तो। कौन से पुलिस अधिकारी को दोषी मान रहे हैं इसके पीछे? हम तो इसमें सबसे बड़े हैं सीओ राठ, क्षेत्र अधिकारी राठ को जिम्मेदार मानते हैं घटना का, क्योंकि इनके संज्ञान में शुरू से प्रत्येक चीज है। इन्होंने जानबूझ के कार्रवाई नहीं अपराधियों के खिलाफ की, उन्हें यहाँ से घर से भागने का मौका दिया, वो अपराधी राठ में ही है और लगातार घूम रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, शादियों से पुलिस की नॉलेज में। लेकिन और कल कह रहे थे कि उनका मोबाइल नहीं लग रहा, तो हम वकीलों ने मोबाइल लगा करके उन्हें बताया कि ये घंटी जा रही है, इसका क्या जवाब है? तो सीओ सरीला को जवाब देते ही नहीं बना ना कोतवाल को, कोतवाल कह रहे हैं मैं 2 दिन, अभी 2 दिन से पता चला, जबकि कोतवाल को आए हुए 1 हफ्ता हो रहा है, वो उनके संज्ञान में नहीं। कैसे पुलिस अधिकारी है जो आपके किसी घटना की जानकारी संज्ञान में ना हो? क्या सीओ साहब अपराधियों से मिले हुए हैं क्या? मुझे तो लगता है कि मिले हुए हैं बिल्कुल, उनको संरक्षण, क्योंकि उसका ट्रैक्टर चलता है बालू का, जो बालू का ट्रैक्टर चलाता है तो पुलिस से तो उसकी सांठगांठ होती है। तो आपके कहने का मतलब है कि क्षेत्र अधिकारी मिलकर बालू खनन करवा रहे हैं और अपराध में सहयोग कर रहे हैं? मेरा ये कहना ये नहीं है कि ये करवा रहे हैं, लेकिन बालू खनन होता है। आप रात में जाइए 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक आपको ट्रैक्टर मिलेंगे रोड पे, ये सीधा रोड में ये करवा रहे हैं, लेकिन कौन करवा रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो अधिकारियों की है, बिल्कुल जिम्मेदारी आपके एसडीएम साहब की है कि अवैध खनन को रोके, लेकिन नहीं रोक रहा है, लगातार अवैध खनन जारी है। आप रात में किसी भी सड़क किसी भी रोड पे जाइए, ट्रैक्टर मिल जाएंगे आपको बालू के, कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार है। अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए भी अधिकारी जिम्मेदार है। हाँ। आपने राठ में देखा होगा 4-4, 5-5 लोग मोटरसाइकिल बैठ के निकलते, अपराधी 4 लोग बैठ के निकलते हैं, लेकिन पुलिस की कोई हनक नहीं है राठ में। आप थाने में जाइए, ये लगता है कि थाने में कोई है ही नहीं, कोतवाल से बात करो, मैं हूँ नहीं थाने में, कहाँ हैं आप? जब अधिकारी हैं तो है कहाँ? अभी तक हम लोग कहते थे कि अपराधियों का गुंडा राज चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस का गुंडा राज है, पुलिस गुंडा ही पोता रही है, अपराधियों से मिलके जो है ये सब काम कर रही है, अपराधियों को थाने में बुलाती है, बिठालती है, वहाँ पर दारू मुर्गा होता है, उनसे पैसे हटती है, और कोई जो शरीफ व्यक्ति जाता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अरे यहाँ तक कि पीड़ित अगर रिपोर्ट करने जाता तो उसी को चालान कर दिया जाता है। जब आप अधिवक्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है तो क्या लगता है आम लोगों का क्या हाल होता होगा? मुझे तो लगता है कि गरीब आदमी की तो सुनवाई हो ही नहीं रही, वहाँ पीड़ित की तो सुनवाई हो ही नहीं रही, वहाँ तो केवल पैसे का काम है। थाने में पैसा दीजिए दलालों के माध्यम से और अपना काम कराइए, अगर आपने रिपोर्ट लिखाने गए पैसा नहीं दिया तो आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। तो आपके कहने का मतलब है दलालों के माध्यम से पैसे का लेन देन होता है? बिल्कुल होता है। थाना जब अधिकारी कोई भी अधिकारी आए थाने में बिना दलालों के थाने, आप ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो अवैध डग्गा मार चल रही है उसके लिए आपने एक दलाल नियुक्त कर दिया है, वो दलाल सारा रुपए इकट्ठे करके कोतवाल को देता है, कई सालों से चल रहा है और वहाँ से आती है। कितना आता है? 70,000 रुपए महीने। अध्यक्ष जी स्वर्णकार समाज के, कोई झगड़ा ना हो और पुलिस को ये
इससे अपराधी, जिससे हम सब लोग इस धरने का माफ देकर और इसमें अभियुक्त गण शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किए जाएं और सब लोगों की यही क्या है और अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो हम फिर इस प्रकार का जाम लगा देंगे कि आपके बुते से खुलेगा नहीं और आप किसी प्रकार से खुलवा ना सकेंगे, चाहे जिस प्रकार से रहो हम सब प्रकार से तैयार हो, हर प्रकार से तैयार हो, चाहे आप गोली चला दें, चाहे आप लाठी चला दें, चाहे आप जो है मैं कहता हूँ गाड़ी चढ़ा दें, लेकिन कोई हटेगा नहीं रोड से। आपको टाइम अभी चाहिए तो हम अभी, आपने अगला 24 मांगा था, हम अगले 24 घंटे आपको और दे सकते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।